प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि वह इस सदन को विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रपति ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसे पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं। सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति की तरक्की सरकार की प्राथमिकता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा को पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ भड़के जन आक्रोश का फायदा मिला और पार्टी को जनता ने विकल्प के रूप में चुना। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार महंगाई खत्म करने के लिए समय सीमा बताए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि सेना प्रमुख की नियुक्ति पर पिछली सरकार के निर्णय को ही माना जाएगा। जेटली ने कहा कि इस मामले पर राजनीति करना ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने वीके सिंह पर सुहाग को लेकर सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सेना के मनोबल को कम करने वाला बयान या प्रयास देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने मंत्री पर अंकुश लगाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज तक जो भी योजनाएं चलती आई हैं उन्हें सरकार को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आगे बढ़ाया था। भाजपा सांसद चंदन मित्रा ने कहा कि सभी फायदेमंद योजनाओं का आरंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि कांग्रेस ने सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस सरकार को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। ब्यास नदी में हुए हादसे के शिकार छात्रों में से एक और छात्र का शव बरामद किया गया। खोजी दलों ने यह शव आज घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर बरामद किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल विवादास्पद बयान देकर विवादों में घिरे। कहा घर घर पुलिस तैनात कर बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी को नहीं रोका जा सकता। बाद में विवाद बढ़ने पर अपने ही बयान से किया किनारा। पाटिल के इस बयान की भाजपा समेत तमाम दलों ने कड़ी निंदा की है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में उन्हें विफल करार दिया है। मई में निर्यात में 12.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि व्यापार घाटा 11.23 अरब डॉलर पर रहा, जो कि पिछले साल इस अवधि में 19.37 अरब डॉलर पर रहा था। वहीं मई में आयात 39.23 अरब डॉलर रहा। उरुग्वे फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी लुइस सवारेज घुटने की चोट से परेशान है। ऐसे में टीम के कोच ऑस्कर टेवेरेज का कहना है कि सवारेज का जल्द से जल्द ठीक होना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक सवारेज से टीम को काफी उम्मीदें हैं।